तो पबजी खेलने वालों के लिए एक शानदार वीडियो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो पे आप लोगों के लाइक्स और थोड़े बहुत व्यूज़ आने की वजह से मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से पबजी गेम खेलते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं और आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाकर एडिट करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग फिर से क्लासिक वाले में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इजिप्ट का जो सबसे बड़ा ममी है या किंग है वो हमारे सामने है और अब इस गेम को स्टार्ट करेंगे। और बताना चाहता हूँ कि इस गेम में भी मैंने चिकन बहुत ही ईजिली तरीके से गेन कर लिया था, लेकिन उसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। वैसे मैं बताऊँ कि ये स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड मैच है, लेकिन ये सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कैसे। और हम लोग प्लेन में बैठे हुए हैं, प्लेन का कलर थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, देखिएगा रेड कलर का हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हाँ रेड कलर का प्लेन हो चुका है। चलिए जल्दी से लैंड करते हैं। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से लैंड होने के लिए तैयार हैं। और मैंने जो पहले एम किया था वो इजिप्ट में जाने का एम किया था, जो बाद में उड़ जाता है, लेकिन फिर मैंने अपना मोटिव चेंज किया क्योंकि मेरे सारे जो फॉलोअर्स थे वो चले गए मुझे छोड़कर, मेरे गेम फ्रेंड, यानी कि जैसे मैंने बताया था है तो स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड मैच, लेकिन ये सोलो वर्सेस स्क्वाड होने वाला है क्योंकि सभी ने मुझे अनफॉलो कर दिया। इसकी वजह से मैंने अपना इरादा चेंज किया क्योंकि अकेले वहाँ पर जाकर स्क्वाड से सारे स्क्वाड एक साथ वहाँ पर आते हैं अपने टीममेट्स के साथ, उनसे मैं अकेले पंगा तो ले नहीं सकता, इतना बड़ा महारत ही तो हूँ नहीं मैं। तो मैं चुपचाप एक कॉटेज में उतर गया, वहाँ पर मुझे एटीएम वगैरह मिल गया, तो अब मैं उसको ले लिया हूँ। फिर सोचा कि अब मैं या तो अपने टीममेट्स का इंतज़ार करूँ या फिर निकल जाऊँ अकेले ही अपने लंबे जर्नी के ऊपर। तो देखिए अब हम निकल रहे हैं, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरा एक टीममेट मुझे मेरे पास आ चुका है, पर फिर भी हम लोग अब काफ़ी लेट हो चुके हैं और दो लोग ही बचे हैं यहाँ पर, बाकी टीममेट्स तो अलग हो चुके हैं एक तो शायद। और मैंने देखिए सीधे लेट करने को देखा और शूट करने की कोशिश की और फाइनली मैंने इसे नॉक करके निकल दिया। तो देखते हैं इसके पास कुछ मिलता है कि नहीं। तो हाँ इसके पास काफ़ी गन है, काफ़ी गन अच्छा है, अच्छा वाला गन मुझे मिल चुका है। तो अब मेरे पास गन भी है और एमो भी है, तो अब हम निकलते हैं। मैंने बगल में ही एक बग्गी देखा था तो मेरे टीममेट ने उस बग्गी को छोड़ दिया और मैंने देखा कि अच्छा उस बग्गी को ले गया था उसने और उसके पीछे लगा था एक एनिमी जिसे मैंने शूट कर दिया नॉक करके, अब वो उसे मारेगा। तो एक्चुअली किल उसको मिल गया है, तो अब उसने पूरी लूट ले ली है। तो अब मैं बग्गी लूँगा और यहाँ से हम कहाँ जाना है वो डिसाइड मैं करूँगा। तो अब निकलते हैं। अभी तो वो बग्गी लेके भाग रहा था पर अब मेरे साथ बैठ गया है, शायद उसे लग रहा हो कि हाँ मैं इतना बेकार भी प्लेयर नहीं हूँ। वैसे मैं बताऊँ कि ये भी मेरा कोई गेम फ्रेंड नहीं है, मैं नया गेम खेल रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास एक व्हीकल आ चुका है, तो मैंने सोचा कि इसको भी ले लूँगा और फिर एक और जो टीममेट हमसे काफ़ी दूर लैंड हुआ है उसके पास जाऊँगा और फिर हम अपने टीम के साथ गेम प्ले करेंगे। बट होना कुछ और ही था, वो बग्गी से उतर ही नहीं रहा था, तो समझ में आ गया कि वो या तो समझ में नहीं आ रहा या फिर वो मेरे साथ जाना नहीं चाहता। तो फाइनली मैंने भी डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि शायद वो आ जाएगा, तो मैंने एक बार और उसे कॉल किया और मैंने उसे बुलाने की कोशिश की। खैर अब मैं देख रहा हूँ कि वो आ नहीं रहा था, तो उसने मुझे कहा कि फॉलो करो, तो ठीक है मैं कुछ देर सोचता हूँ चलो अच्छा फॉलो करके देखता हूँ वो कहाँ ले जाना चाहता है। तो मैंने कुछ देर सोचा और उसके बाद फिर मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा, तो फिर मैंने देखा कि वो फिर से शायद उधर ही जा रहा है जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो फिर मुझे लगा कि शायद वो वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि अब तो काफ़ी स्क्वाड्स ख़त्म हो चुके होंगे, अब सिर्फ एक ही स्क्वाड बची होगी वहाँ पर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी भी हम लोग उसके अपेक्षा बहुत कम हैं और अगर चिकन डिनर पाना है तो हम लोगों को बहुत ही सेफ्टी प्ले करना होगा।
तो यहाँ पर अब कुछ होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एनिमी को स्पॉट किया था, उसे नॉक किया, इसका किल वो नहीं चुरा पाएगा क्योंकि इसे मैंने ही मारा है। तो देखिए 2 किल्स अभी तक हुए हैं मेरे। कितने फाइनली किल्स होते हैं वो तो आपने शुरुआत में देख लिया होगा ट्रेलर में, लेकिन अब कैसे मैंने वो किल किए हैं वो भी आप देखना चाहिए आपको। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन तभी मैंने सोचा कि अब यहाँ से जाना ठीक होगा, लेकिन वो फिर से बग्गी में ना जाए इसलिए मैंने उस बग्गी का पहिया पंचर कर दिया। तो फिर मैं अपनी गाड़ी लिया और फिर जाने लगा, पर उसे लगा कि मैंने उसकी बग्गी पंचर कर दी है इसलिए उसने भी मेरी गाड़ी पर शूट किया और इस पहिए को भी उसने पंचर कर दिया। बेवकूफ़ था वो, लेकिन अभी तक तो नहीं किया लेकिन करेगा ज़रूर, क्योंकि बाद में इस व्हीकल का मैंने जब चेक किया था तो पंचर मिला था। तो अभी एनिमी स्पॉट हुआ है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ है। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो वहाँ पर इजिप्ट में थे, या फिर बोट हो सकते हैं, पर बोट मुझे नहीं लगता कि पबजी में कोई बोट वगैरह जैसा होता होगा। वो सिर्फ मुझे लगता है कि वो प्लेयर्स न्यू होते होंगे या फिर छोटे बच्चे होते हैं जो खेलने के लिए आते हैं और उन्हें बोट समझा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी देख लेते हैं। तो अभी तक मुझे वो स्पॉट नहीं हुआ है, वो कहाँ है मुझे देखना होगा। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है दोस्तों, पर अभी मैं उतने अच्छे से इसको एडिट करने का मेरे पास अनुभव नहीं है, पर अगर आप लोग पसंद करने लगेंगे, वीडियो वॉच करने लगेंगे, तो डेफिनेटली आगे मैं भी अच्छे से अच्छे एडिट करके कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के साथ वीडियो बनाऊँ, एंटरटेनमेंट पर्पज के साथ। फ़िलहाल तो मैं बस, तो यहाँ पर मुझे कुछ गन शॉट दिख रही है पर मुझे वो दिख भी नहीं रहा था, तो मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और वो मेरा जो पार्टनर था वो तो अपनी पंचर गाड़ी लेकर ही भागने लगा। देखा आपने, मैंने कहा था पहिया पंचर हो जाएगा, अब पता नहीं उसने खुद किया या किसी एनिमी ने किया। पर फिर भी मैंने उसको काफ़ी देर स्पॉट किया, मुझे वो दिखा नहीं, पर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो डेफिनेटली वो हमें पीछे से फायर कर सकता है, हमें डैमेज दे सकता है। तो फिर भी मैं सोचा कि वो कहीं व्हीकल लेकर ना भाग जाए मेरा पार्टनर, इसलिए मैं इसमें हो लिया और सामने मैंने एक एनिमी को स्पॉट किया। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ मैं व्हीकल से उतरा ही नहीं, तो मुझे लगा पता नहीं मैं उतरूंगा और वो व्हीकल लेके भाग जाएगा, तो मैंने व्हीकल में रह के ही उसे किल किया। ये भी किल मेरा ही था, उसने अच्छी खासी लूट उसने भी ले ली है। मैंने कहा ठीक है मेरे पास काफ़ी है, पर मेरा एमओ ख़त्म हो गया था एक एम का, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर चलकर जल्दी से एमओ वगैरह ले लेते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको थोड़ा सा काटते हैं, भगाते हैं। तो जब मैंने स्कोप लगा कर देखा तो मुझे यहाँ पे एक एनिमी स्पॉट हुआ, लाइक बग्गी थी, मुझे लगता है उसमें 2 लोग तो होंगे ही कम से कम। तो मैंने वहाँ पर मार्क कर दिया ताकि जो मेरा टीममेट है जो मुझसे एकदम अलग चल रहा है, मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर तब तो मैं अकेले ही पहुँचा हूँ, वो मुझसे मेरे साथ चल ही नहीं रहा था। देख रहे हैं अभी भी वो मुझसे काफ़ी दूर है। बीच में तो मैंने का बहुत सारा पार्ट मैंने हटा दिया है, उसमें एक बार वो मुझे छोड़कर बिल्कुल भी दूर चला गया था गाड़ी लेकर, मैं पैदल ही जैसे जैसे पहुंचा। अब मैं देख रहा हूँ कि वो बग्गी वाला, मुझे लगता है कि सामने वाली बिल्डिंग या जो यहाँ पर हाउस सामने है काफ़ी दूर अभी यहाँ से, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, उन लोगों ने मुझे नहीं देखा है, तो मुझे लगता है वो वहीं पर होगा। तो मुझे देखना है मेरा कहाँ पर है वो, 3x स्कोप से इतना ही दूर तक देख सकता हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं कि कहाँ पर है वो लोग, क्योंकि जूम जिस हिसाब से है वो सामने की बिल्डिंग में हो सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो आसपास और कोई बिल्डिंग मुझे दिख नहीं रही है। तो फाइनली मैंने उन्हें स्पॉट कर लिया है, उनकी बग्गी मुझे दिख रही है सामने, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने मार्क करके उससे बता दिया है, अदरवाइज़ अगर वो नहीं देख पाया होगा, उसके पास स्कोप नहीं है, तो हमारी लोकेशन उसकी गलती की वजह से ट्रैक की जा सकती है। तो मैंने मार्क कर दिया है, वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, काफ़ी छुपा हुआ है, लेटा हुआ है, तो ठीक है, पबजी में कहते हैं सांप बना हुआ है। तो ठीक है, मैंने लोकेशन तो उनकी देख ली है, अब उनकी मूवमेंट देख रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हमें
अगर काउंट ना किया जाए तो 6 एनिमीज़ अभी अलाइव हैं, 2 एनिमीज़ मुझे सामने स्पॉट हो चुके हैं, 4 एनिमीज़ कहीं ना कहीं होंगे ही, तो मैंने उन पर नज़र बनाई रखी है क्योंकि अगर हम रश करेंगे तो रास्ते में ही मारे जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी ज़रूर कुछ ना कुछ अपना स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पर गए हैं और हम चारों तरफ देख रहे होंगे। तो स्ट्रेटजी यही कहती है कि हम अपनी लोकेशन फिर से जोन आने का वेट करें और इसी तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़ते रहें। तो मैं कवर टू कवर आगे बढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कब कौन कैसे जीतेगा और कैसे किल करेगा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो थोड़ा बहुत देखिए, हो सकता है कि आप लोग भी, आपको भी कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिल ही जाएगा अगर आप पबजी गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तब, ठीक है। अदरवाइज ये आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा। तो मैं ज़्यादातर पबजी में जब खेला करता था तो एक्सपेक्ट करता था अपने गेम फ्रेंड्स को, एनिमी को भी एक्सपेक्ट करता था। तो एक्सपेक्ट करने में आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इस वक्त मैं उन पर नज़र बनाए हुए हूँ। मुझे डर है कि कहीं उन लोगों ने बग्गी छोड़कर अपना लोकेशन तो नहीं चेंज कर दिया, क्योंकि जोन शुरू हो चुका है और मैं जोन के बाहर हूँ, मुझे जोन के अंदर जाना होगा। तो मेरे टीममेट ने मुझे बताया कि जोन के अंदर आओ, तो मैं भी उधर जाने की कोशिश अब करूँगा धीमे धीमे, क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की होगी। तो चलिए चलते हैं जोन के अंदर धीमे धीमे, बचते बचाते, और फिर देख सकते हैं कि लगातार एनिमीज़ रेट कम होती जा रही हैं। अब 6 यानी कि 4 एनिमीज़ बचे हैं, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। ये फाइनल वाला है तो उसको मिस मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होती है फाइनल फाइट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है पबजी में, क्योंकि अगर आप फाइनल फाइट मिस कर देंगे तो समझ लीजिए आपने सब कुछ मिस कर दिया। मैं सच कहूँ तो फाइनल में मैं जब पहुँच जाता हूँ तो मैं बहुत लापरवाह हो जाता हूँ एकदम, समझ लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं गेम तो जीत ही नहीं सकता, और किल तो भूल ही जाइए कि मैं उस वक्त इतना ज़्यादा लापरवाही करता हूँ कि एनिमी को अगर मैंने देख भी लिया है तो मैं उसको सही से एम करके शूट करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, बस भागम भाग में लग जाता हूँ, बस किसी तरह मारो मारो बुलेट्स ख़त्म करो, तो मैं बस उसी में लगा रहता हूँ। लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी दिखाई और पेशेंस रखा और चिकन पाऊंगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, आप लोगों को वीडियो दिखानी थी, तो मैंने थोड़ा पेशेंस रखते हुए चिकन तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत की। तो इस मेहनत के लिए मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट देना चाहिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं और भी वीडियो पबजी का डालूं, आप लोग देखना चाहेंगे नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर हाँ तो भी, नहीं तो भी बताइएगा, और अगर नहीं तो कौन सी टॉपिक पर वीडियो आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे ये ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। देखिए किसी ने गोली चलाई, फ्री फायर दिया मेरे एनिमी ने, तो मैंने भी अब मैं सामने व्हीकल भी देख रहा हूँ, तो मैंने सारे ग्रेनेड्स वगैरह फेंक दिए कि कहीं ना कहीं उन लोगों को लग जाए, क्योंकि अगर व्हीकल के साथ आ जाएंगे तो फिर ग्रेनेड फेंकने का टाइम नहीं रहेगा। तो मैंने ग्रेनेड फेंक के पूरा ग्रेनेड ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 3 एनिमीज़ बचे हैं। अब मैंने कदमों की आहट देख ली है, तो अब मुझे इंतज़ार है कि इस चट्टान के किस साइड से, तो मैंने उनसे देख लिया, स्टॉप कर लिया, और मैंने इस बार देखिए मेरा गेम कितना ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको शूट किया। शूट करने के बाद मेरा वो इतना जल्दी ख़त्म हो रहा था, घबराहट में देखिए मेरे पास आ गया और मैंने उसे ख़त्म कर दिया। फाइनली मैंने ही दोनों को किल करके आखिरकार गेम को जीत लिया। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपना सपोर्ट देकर अपना प्यार दीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लानी चाहिए इस चैनल पर कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।
बस भाई बस।